you all doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I'm going to take first language Hindi for the students of class 10th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लेसन की ओर, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है कवित, जिसे लिखा है पद्माकर जी ने. तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं उन्मुखीकरण की ओर. तो यहाँ पे उन्मुखीकरण में एक कविता दी गई है. प्रकृति तेरी अजब कृति, नित नई तेरी आकृति, खनिज तत्वों का भंडार, तुझ पर निर्भर यह संसार, तुझ में माँ की ममता है, तुझ में अजब क्षमता है. और इस कविता के कवि शशिकांत निशांत शर्मा साहिल जी हैं. वे प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रकृति, तेरी अजीब बनावट है, बनावट यानी कृति है, तू रोज जो है नया नया रूप लेती है, अर्थात इसीलिए जो है धूप छाव के जैसे तेरी शोभा रोज बदलती रहती है. तुझ में खनिज तत्वों, खनिज यानी मिनरल्स, तत्वों का भंडार है, इसलिए सारा संसार तुझ पर निर्भर है. निर्भर यानी डिपेंडेंट है. कवि कहते हैं कि प्रकृति तुझ में माँ की ममता के साथ साथ सहन करने की क्षमता भी है. यानी सहन करना यानी कोई चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करने की क्षमता यानी एबिलिटी भी है. अर्थात इसीलिए जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन करती है, तू भी हमारा वैसा ही ध्यान रखती है. तो ये था उन्मुखीकरण. तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर. तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, प्रकृति किसका भंडार है? तो यहाँ पे प्रकृति के बारे में दिया गया है कि प्रकृति जो है खनिज तत्वों का भंडार है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति वर्णन में क्या क्या बताया गया है? तो प्रकृति वर्णन में बताया गया है कि प्रकृति रोज नया नया रूप लेती है, अर्थात इसीलिए प्रकृति के बदलते रूपों के बारे में भी इस कविता में जो है बताया गया है. और इसकी तुलना माँ की ममता और उसकी क्षमता से की गई है. तीसरा प्रश्न, प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और वर्षा के पानी को बचाकर खेती बाड़ी के काम में जो है लाना चाहिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं उद्देश्य की ओर. तो इस कविता कवित, जिसका मतलब है कविता, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो भाषा अनेक विधाओं में व्यक्त की जाती है. भाषा यानी जो लैंग्वेज है, अनेक विधाओं यानी अनेक तरीके से, प्रकार से व्यक्त की जाती है. व्यक्त करना यानी एक्सप्रेस करना. उसी तरह काव्य रचना यानी कविता की रचना की भी विधि शैलियां होती है, यानी एक ढंग होता है, एक स्टाइल होता है. प्राचीन काल में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, रोला, कवित, पहेलिया आदि के रूप में काव्य सृजन हुआ है. यानी सृजन यानी क्रिएशन, क्रिएट हुआ है. तो कविता जो है इस तरीके से, जो अलग अलग ढंग से जो है लिखी जाती है. सौंदर्य अनुभूति यानी सुंदरता की अनुभूति, ब्यूटी का जो एक्सपीरियंस है उसका विकास करना, कविता के भाव और रस ग्रहण करने में जो है छात्रों की सहायता करना, और कविता सृजन यानी कविता क्रिएट करने में आगे बढ़ने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन देना, इस पाठ कवित का उद्देश्य है. तो ये था उद्देश्य. और तो चलिए आगे बढ़ते हैं विधा विशेष की ओर. कवित दृश्य योजना और शब्द योजना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है. दृश्य योजना और शब्द योजना का क्या अर्थ है? दृश्य योजना यानी विजुअल प्लान और शब्द योजना यानी वर्ड प्लान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है. इसमें स्वच्छ और
उदात्त कल्पना है, स्वच्छ यानी पवित्र, शुद्ध और उदात्त यानी विशाल, बड़ी कल्पना है, कल्पना यानी इमेजिनेशन है। कवि की कृति यानी रचना आनंद और उल्लास के वर्णन प्रसंगों, प्रसंगों यानी विषय में खूब रमी है। इसमें जो है कवित्त जो है छंद है, छंद यानी एक वर्स है, अ ग्रुप ऑफ लाइंस विच फॉर्म वन पार्ट ऑफ अ पोयम और सॉन्ग, उसे कहते हैं छंद। तो ये था विधा विशेष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। तो ये प्रस्तुत कविता कवित्त के कवि हैं पद्माकर जी। तो रीति काल के कवियों में पद्माकर का नाम मूर्धन्य है। तो यहाँ पे मूर्धन्य यानी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण यानी जो एटमॉस्फेयर था वो कवित्वमय था, यानी हर कोई उनके परिवार में कवि था। उनके पिता मोहनलाल भट्ट जी अच्छे विद्वान यानी स्कॉलर और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया, यानी वंश यानी डायनेस्टी का नाम कवीश्वर पड़ गया, क्योंकि उनके परिवार में हर कोई कवि था, इसीलिए उनकी डायनेस्टी, उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संस्कार यानी जो कविता उन्होंने सीखी है उसके संस्कार उन्हें पैतृक यानी पैटर्नल साइड, अपने पिता के तरफ से, पिता के जो है संबंधी उनके रूप में प्राप्त थे। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत ही मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। तो बात करते हैं उनकी रचनाओं की। तो उनकी रचनाओं में जो है हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि जो है इनकी प्रमुख कविताएं, प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विषय प्रवेश की ओर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक यानी सोशल। समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी जो है प्रकृति पर, यानी समाज यानी जो सोसाइटी है, पृथ्वी धरती पर विकसित है यानी डेवलप्ड है, और पृथ्वी यानी जो धरती है वो प्रकृति पर यानी नेचर पर। हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्व देन जो है प्रकृति है, यानी सृष्टि यानी जो क्रिएशन की अपूर्व, अपूर्व यानी अद्भुत जो देन है वो प्रकृति है, नेचर है। इसकी प्रशस्ति यानी प्रशंसा, तारीफ जो है वेदों, उपनिषदों व प्राचीन ग्रंथों यानी जो प्राचीन टेक्स्ट है उसमें तरह तरह से जो है की गई है। इसी भाव को कवियों ने अपनी अपनी शैलियों यानी जो लिखने का ढंग है उसमें सृजन किया है यानी क्रिएट किया है। इस तरह कवि पद्माकर जी के इस कवित्व जो कविता है उसमें प्रकृति यानी नेचर का सौंदर्य बोध होता है, सौंदर्य बोध यानी सौंदर्य का ज्ञान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में क्या दिया गया है, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, यानी औरे यानी कुछ अलग, कुछ निराला, भांति यानी तरह, कुंजन का क्या अर्थ होता है यानी लताओं, पेड़ की जो लता होती है आदि से घिरा हुआ यानी बगीचा, बगीचे में गुंजरत यानी गुजारा करना, भीर भौर, भीर भौर, भीर यानी दल, भौर यानी भवरा, औरे डौर झौरन पे बौरन के हवा गए, यानी डौर यानी डाली या रस्सी या फिर डोर, झौरन, झौरन का मतलब क्या है झूले पर, बौरन, बौरन यानी आम के फूल को जो है बौरन कहते हैं, बौरन के हवे गए, हवे गए यानी हो गए।
कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छबी छ्वय गए। यानी कहे यानी कहते हैं, सु यानी वह, इस तरह गलियानी यानी पतली गली, छलिया यानी धोखेबाज जो धोखा देता है, छल करने वाले को छलिया कहते हैं, छबीले यानी सुंदर छवि वाला, छैल यानी बन ठन कर रहने वाला, छबी यानी सुंदर चेहरा, छवे गए यानी छा जाते हैं। और भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वय गए। यानी और भांति बिहग समाज, बिहग समाज यानी पक्षियों का समाज, आवाज होती यानी आवाज जो आवाज आती ध्वनि होती, ऋतुराज यानी वसंत का मौसम, ऋतु का मौसम, द्वय गए यानी दे जाना, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए। यानी और रस यानी, रस यानी आनंद, रीति यानी तरीका परंपरा, राग यानी लय, तन यानी शरीर, बन यानी वन जंगल, हुए गए यानी हो जाते। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है, इस कविता में जो है, कवि ये कहना चाहते हैं कि बाग बगीचों में जो भौरे होते हैं, जो भवरे होते हैं, उनके दल घूमते रहते हैं, जो उनके जो भवरों के जो दल है, जो ग्रुप में वे घूमते रहते हैं बाग बगीचों में, डालों पर झूले पड़ जाते हैं, तो जो पेड़ की डाल होती है उस पे झूले पड़ जाते हैं, आमों की डालों पर बौर यानी आम के फूल को बौर कहते हैं यहाँ पे, वो छा जाते हैं। इस समय गली गली में बहार छा जाती है, इन दिनों में गलियों की जो बात ही जो है कुछ अलग होती है, लोग बन ठन कर गलियों में निकलते हैं, औरों की तरह जो है पक्षियों के समाज यानी जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज भी निराली एक अलग ध्वनि से वे आवाज निकालते हैं। ऋतुराज का मतलब ऋतुओं का राजा जो है वसंत ऋतु, इस ऋतु का आनंद जो है रीति राग रंग सब कुछ जो है अलग होता है, तो वसंत जो जब ऋतु आती है तो सब कुछ एकदम निराला और अलग सा होता है। तो जो वसंत यानी स्प्रिंग सीजन जब आता है तो एकदम सब कुछ निराला लगने लगता है। इस ऋतु में, इस वसंत यानी स्प्रिंग सीजन में तन मन को अद्भुत सुख का अनुभव होता है। तो इस पद्यांश में वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। भवरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। तो भौरन यानी जो भौरे हैं, भौरन को गुंजन बिहार, बिहार यानी विहार करना घूमना, बन कुंजन, बन कुंजन का मतलब क्या है, कुंजन यानी बगीचे में, मंजुल मंजुल मलारन यानी एक राग जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जैसे उसे कहते हैं मल्हार, तो मंजुल मलारन को गावनो लागत यानी गाने गाना गाना गाने लगते हैं। कहें पद्माकर गुमानहू ते मानहू ते प्राणहू ते प्यारो मन भावनो लगत है। यहाँ पे कहें पद्माकर गुमानहू, गुमानहू यानी अभिमान से, प्राणहू ते प्यारो यानी प्राणों से भी प्यारा, मोरन को सोर घनघोर चहु ओरन, हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है। तो यहाँ पे मोरन यानी मोर, घनघोर यानी घने बादल, हिंडोरन यानी रूप, नेह
रस सावन में मेघ बर सावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। तो यहाँ पे नेह यानी प्रेम, सर सावन यानी रसपूर्ण करना, खुशी देने वाला, मेह बर सावन, मेह बर सावन यानी मेघ बरसाना, सावन में, सावन यानी जो मॉनसून सीजन है उसमें, झूली बो, झूली बो का अर्थ क्या होता है यानी झूलना, झूला झूलना, सुहावनो लगत है, सुहावना अच्छा लगता है। चलिए जानते हैं इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो बाग बगीचों में भौरे जो है गुजार करते हैं, गुजार यानी जो है आवाज करते हैं, गाना गाते हैं, वे गाना गाते हुए जो है भ्रमण करते यानी घूमते रहते हैं, लोग मल्हार यानी एक राग है, वे वो राग गाते हैं, मल्हार राग के जो है गीत बड़े मनोहर होते हैं, बड़े सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। तो पद्माकर जी कहते हैं कि यह महीना जो है अपने अभिमान जो है अपने प्राइड मान तथा प्राण से प्यारा लगता है, तो अपने अभिमान से भी ज्यादा प्यारा ये जो मौसम है वो लगता है। तो ये सावन का महीना काफी मन भावन लगता है। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर यानी जो घने बादलों को देखकर मोर भी नाचने लगते हैं, मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े जो है मन भावन लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं। और इस महीने में चारों ओर प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है और प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। तो इस प्रस्तुत कविता कवित्त में सावन के महीने का बहुत ही मनोहरी वर्णन है। तो पद्माकर जी के प्रस्तुत दोनों कवित्त ऋतु वर्णन से संबंधित है। तो इनमें जो है वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन और सावन का, सावन यानी मॉनसून का सजीव चित्रण है। भाषा एवं भाव दोनों ही दृष्टियों से इनमें अनोखापन है, एक निराला, एक अलग सापन है। पद्माकर जी वसंत का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वसंत की शोभा निराली है, यानी मॉनसून सीजन जो है उसकी शोभा जो है सुंदरता निराली है, अलग है। और वसंत ऋतु आते ही बागों में जो है भ्रमर दल यानी जो भंवरों का दल है गुजार करते हैं, यानी जो है गाना गाने लगते हैं, पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ जाते हैं और आम के वृक्षों पर बौर छा जाते हैं। वसंत में जो है गली गली में बहार छा जाती है, इसलिए इसे बहार भी कहते हैं। और गली गली में जो है युवक युवतियां यानी जो यंग लोग हैं बन ठन कर निकलते हैं, जो छैल छबीले कृष्ण की याद दिलाते हैं। और पक्षी दल जो है यानी जो पक्षियों का ग्रुप है चहचहाता है, वे प्रसन्नता के गीत गाते हैं। और ऐसे ऋतुराज का चित्रण शब्दों से संभव नहीं है, तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इस प्रकार का सुंदर चित्रण होता है। वसंत ऋतु का सौंदर्य अनुपम है, जो स्प्रिंग सीजन है उसका सौंदर्य सुंदरता अनुपम है। इस ऋतु का आनंद रीति राग रंग सब कुछ निराला होता है और वसंत ऋतु में तन मन और रोम रोम को अद्भुत सुख का अनुभव होता है और प्रकृति खिल उठती है। तो ये था पहली कविता का भाव। और बात करते हैं दूसरी कविता के बारे में। तो दूसरी कविता जो कवित्त में सावन का मन भावन वर्णन है और कवि कहते हैं कि सावन यानी मॉनसून के महीने में
भौरों का गुजार बड़ा आनंद देता है। यानी जो भवरे उनका गीत जो संगीत गाते हैं उसे कहते हैं मल्हार, तो ये सुनकर बड़ा आनंद आता है। पद्माकर जी का कहना है कि सावन के महीने के सौंदर्य पर तो अभिमान यानी प्राउड गर्व मान तथा प्राण सब न्योछावर यानी सैक्रिफाइस किया जा सकता है। सावन की वर्षा मन भावन लगती है और चारों ओर मेघ यानी बादल छा जाते हैं। उन्हें देखकर मोर जो है शोर मचाते हुए नाचने लगते हैं। पेड़ों की डालियों पर पड़े सुंदर सुंदर झूले बड़े ही प्यारे लगते हैं और चारों ओर जो है प्रेम पूर्ण वातावरण होता है। यह महीना बहुत ही प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला माना जाता है। इस तरह देखा जा सकता है कि पद्माकर जी ने ऋतुओं का निराला चित्रण किया है और इसी प्रतिभा के कारण पद्माकर जी ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीति काल में पद्माकर जी की तरह प्राकृतिक रचनाएं लिखने में कवियों की संख्या बहुत ही कम है, अतः ऐसी स्थिति में पद्माकर जी रीति काल के प्रकृति परक रचनाकारों में विशेष स्थान रखते हैं। तो कवि पद्माकर जी ने जिस तरह से सावन के बहाने प्रकृति यानी नेचर का वर्णन डिस्क्रिप्शन किया है, यह उनकी बहुमुखी यानी वर्सटाइल प्रतिभा को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है।